वेलकम टू ऑल ऑफ यू, जुड़ते जाइए सभी। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास शुरू हो गई है, जुड़ते जाइए। 7 बजे से रोज क्लास शुरू हो जाती है। GK स्पेशल क्लास है। आप सभी अपने दोस्तों को लिंक शेयर करके बुला लीजिए। जो भी अपने दोस्तों को लिंक शेयर करके बुलाते हैं, जल्दी जल्दी बुला लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं क्लास। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, जुड़ते जाइए सभी। क्लास स्टार्ट हो गई है। स्वागत है आप सभी का। सुभाष मांझी, सोनू कुमार, इंडियन, कशिश, नैतिक, सालू शुक्ला, वेलकम वेलकम वेलकम। दोस्तों आप सभी को पता ही है, रोज क्लास होती है। आप पर डे आ सकते हो। अगर आप पहली बार क्लास में आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। रात में 7 बजे यानी कि अभी 7 बजे GK की क्लास होती है और सुबह साढ़े आठ बजे होती है साइंस की क्लास। दिन में 2 क्लास है लाइव, आप दोनों क्लास में आ सकते हैं, फ्री क्लास है। इसके अलावा इस क्लास के बाद में रात में 10 बजे अपनी अनअकैडमी पर क्लास है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अनअकैडमी वाली क्लास की लिंक दे दी है। रात में 10 बजे जो अनअकैडमी की क्लास है, उस क्लास की लिंक दे दी है। लिंक पर क्लिक करके आप क्लास को इनरोल कर लीजिएगा। मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक भी है, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लेंगे तो अनअकैडमी के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेंगे। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। जिन जिनके मोबाइल में अनअकैडमी के एप्लीकेशन नहीं है, आप मुझसे फ्री अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। आपको छोटा सा काम करना है, आपके लिए अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वेलकम लखन लोधी। अनअकैडमी की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, फ्री है। आप इसको इंस्टॉल करिए, अपना मोबाइल नंबर डालकर अनअकैडमी की इस एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। अनअकैडमी की एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करने के बाद में जब आप उसको रन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो एप्लीकेशन पर आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपको अनअकैडमी पर मुझसे फ्री पढ़ने के लिए SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा, ओनली SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपको वहाँ पर मेरा कोड मांगा जाएगा। मेरा अनअकैडमी पर कोड है AEGG, ये 4 अक्षर का मेरा कोड है। इस कोड को जैसे ही आप एंटर करेंगे, अनअकैडमी एप्लीकेशन आपकी तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी, एनरोल हो जाएगी और मेरी क्लासेस आपके लिए अनअकैडमी पर डे फ्री मिल सकती हैं। तो आप इतना सा काम कर लीजिएगा। ये सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, ठीक है। तो शुरू करें क्लास। रेडी है सभी, तैयार हैं, स्टार्ट करें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछा गया है। ये रहा आपके सामने प्रश्न। प्रश्न है, नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। क्या उत्तर हो जाएगा? मस्ती की पाठशाला, कपिल दुबे, लखन लोधी। क्या उत्तर हो जाएगा? लखन लोधी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली पकड़ने से संबंधित है, फिशिंग से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली पकड़ने से संबंधित है, सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हो रहा है, सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आपको बताना है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, मजबूर श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से प्रतिबंधित करता है? राइट आंसर क्या है बताइए, किस अधिनियम में ये जानकारी मिलती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। कौन सा वह अधिनियम है जो तस्करी, बच्चों को श्रम करने से रोकना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का श्रम करने से मना करने के लिए है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए,
चलिए आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए? जी तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार है ये? तो ये मौलिक अधिकार है, राइट आंसर हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या है बताइए, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। कमल सिंह, मुन्ना मोबाइल, दीवाना कुमार, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हुआ है सही कर लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने प्रश्न है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2020 में किसने रैंकिंग, किस देश ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया बताइए? मानव विकास सूचकांक में कौन से देश ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, मानव विकास सूचकांक में कौन से देश ने शीर्ष रैंक प्राप्त की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में शीर्ष रैंक प्राप्त की है नॉर्वे ने, राइट आंसर क्या हो जाएगा नॉर्वे, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा नॉर्वे, प्रश्न के लिए सही उत्तर है, जिस जिसके भी गलत हुए सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी झील मध्य प्रदेश में मौजूद है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, निम्न में से कौन सी झील मध्य प्रदेश में मौजूद है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इनमें से कौन सी झील मध्य प्रदेश में मौजूद है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में मौजूद है यहाँ पर शाहपुरा झील, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है शाहपुरा झील, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में मौजूद झील कौन सी है? तो शाहपुरा झील, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हुआ है आंसर सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रश्न है, चलिए देखते हैं, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारतीय पहले कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, जिसके भी गलत हो रहे हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाते जाइए, सही करते जाइए। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दादा साहब केडी जाधव, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा केडी जाधव, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा खासाबा दादा साहेब जाधव, केडी जाधव, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, बारदोली सत्याग्रह, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, सभी बताएंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, 1928 में
बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 100% प्रथम खुराक कवरेज प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है, बताइए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर डोज 100% डोज इनमें से कहाँ पर प्राप्त हो गया है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए सभी बताएंगे, कोशिश करिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, 100% तक प्रथम डोज पूरा मिल गया है, कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है या कौन सा वो प्रदेश है, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, 100% डोज जिसे मिल गया है वह है लद्दाख। राइट आंसर क्या हो जाएगा लद्दाख प्रश्न के लिए, हाँ युवराज भाई सुन लिया आवाज, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए लद्दाख प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, बताइए। राष्ट्रपति की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कौन करेगा, राइट आंसर क्या है, मम्मी है टेंशन ना लो, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। राष्ट्रपति की लिखित सलाह पर आपात की घोषणा कौन कर सकता है, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की लिखित सलाह पर आपात की घोषणा कौन करेगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो प्रधानमंत्री, राइट आंसर हो जाएगा कौन है, राष्ट्रपति की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति की लिखित सलाह पर आपातकाल, अच्छा माफ़ करिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है प्रेसिडेंट किसकी लिखित सलाह पर, प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन डैश 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 बीच में रहेगा, यहाँ पर राष्ट्रपति किसकी सहायता से, राष्ट्रपति किसकी लिखित सहायता पर आपातकाल की घोषणा करेंगे, तो पीएम जब लिख कर देगा तो राष्ट्रपति पीएम की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, है ना, पीएम जब लिख कर देगा तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने क्या पूछा गया है, 1919 में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था, 1919 में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेयर करते जाइए वीडियो की लिंक को, जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करते जाइए, राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए किसके खिलाफ, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है रॉलेक्ट एक्ट, राइट आंसर क्या है रॉलेक्ट एक्ट प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया था, सही उत्तर हो जाएगा रॉलेक्ट एक्ट प्रश्न के लिए, राइट आंसर है, जिसका भी गलत हुआ है सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जो भी पहली बार क्लास में आ रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा जिससे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे रोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन खून के थक्के के लिए जिम्मेदार है, राइट आंसर क्या है बताइए, इनमें से कौन सा विटामिन है जो खून के थक्के के लिए जिम्मेदार है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए आंसर बताइए। कशिश, शिवराज राठौर, मस्ती की पाठशाला, दीवाना कुमार, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, इनमें से कौन सा विटामिन खून के थक्के के लिए जिम्मेदार है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खून के थक्के के लिए जिम्मेदार है विटामिन के, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है क्या पूछा गया है, बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया है, राइट आंसर क्या है बताइए, बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया है,
राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जी बिल्कुल, बैरोग्राफ वायुदाब मापी। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, बैरोग्राफ मापी अलग होता है, ग्राफ देने वाला अलग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया है, राइट आंसर हो जाएगा लुसीन वीडी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा ए प्रश्न के लिए सही उत्तर है, जिसका भी गलत हुआ है सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सेफे स्फेलेराइट किसका अयस्क या खनिज है, बताइए स्फेलेराइट किसका अयस्क या खनिज है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा, स्फेलेराइट किसका अयस्क या खनिज है, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए, जिन जिनका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, स्फेलेराइट किसका अयस्क है, जैसे बॉक्साइड जो है ये अयस्क होता है एल्यूमिनियम का, वैसे ही स्फेलेराइट किसका अयस्क है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये अयस्क होता है जिंक का। राइट आंसर हो जाएगा जिंक, प्रश्न के लिए सही उत्तर है, ये अयस्क किसका होता है, तो ये अयस्क होता है जिंक का, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जो भी पहली बार क्लास में आ रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल किस देश में बनाया गया है, राइट आंसर क्या है बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल किस जगह पर बनाया गया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल किस जगह पर बनाया गया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा महल जो है डेनमार्क में बना है रेत का, राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जो भी पहली बार क्लास में आ रहे हैं फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दामोदर घाटी निगम भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, आपको बताना है ये परियोजना कब शुरू हुई थी, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये कब शुरू हुई थी, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये कब शुरू हुई थी, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में शुरू हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा 1948 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाइए, जो भी पहली बार क्लास में आए हैं फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, पहला कृत्रिम उपग्रह जो है कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया था, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, पहला कृत्रिम उपग्रह जो है कौन से देश के द्वारा लॉन्च हुआ था, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन से देश ने लॉन्च किया था, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है, तो पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था सोवियत संघ रूस, राइट आंसर क्या हो जाएगा, USSR, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है जी, सही उत्तर हो जाएगा USSR, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन जो है, हाँ जी सोवियत यूनियन स्टेट जो रूस जो है, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना,
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रूस, है ना। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हुआ है सही कर लीजिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास रोज होती है, आप प्रतिदिन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, क्या उत्तर है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोवा में, कहाँ पर है गोवा, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हुआ है सही कर लीजिए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने, जिन जिनके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, आपको बताना है जून में माल और सेवा कर GST कितना राजस्व एकत्र हुआ है, जून में GST में कितना राजस्व एकत्रित हुआ है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। जून में GST जो है कितना एकत्र हुआ है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए आंसर बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जून में GST कितना एकत्र हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 92,849 करोड़ रुपए, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिससे भी आंसर नहीं बन रहे हैं आप घबराओ मत, ये क्वेश्चंस मैं रिवाइज करा दूंगा, अगर आपसे नहीं बन रहे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो चाहे जितनी बार देख सकते हैं, क्लास के बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप इस वीडियो को ऑफलाइन भी देख सकते हो। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने प्रश्न, मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने निर्वासित करके कहाँ भेज दिया था, राइट आंसर क्या है बताइए। बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने निर्वासित करके कहाँ भेज दिया था, क्या उत्तर हो जाएगा। क्या बात है दोस्तों, आज शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, कल तो गजब शेयर कर रहे थे, गजब बिल्कुल 200 प्लस वॉचिंग चला गया था, आज बताओ आप लोग बिल्कुल एकदम शांत हो, कारण क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। लाइक भी करो शेयर भी करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, आप लोगों देखो कल आप लोगों ने सहयोग किया था, वॉचिंग कितना तगड़ा हो गया था, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, सभी बताएंगे, कोशिश करिए आंसर दीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कहाँ भेज दिया था, तो रंगून भेज दिया था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है अनोम लीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का लेखक कौन है, राइट आंसर क्या है बताइए, इस पुस्तक का लेखक कौन है, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए आंसर बताइए सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। अनोम लीज, हाँ अनोम लीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक का लेखक कौन है, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, सभी बताएंगे, कोशिश करिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस पुस्तक का लेखक कौन है, सही उत्तर क्या है चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर वी रविंद्रन, ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर वी रविंद्रन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है आर वी रविंद्रन। शेयर करते चलो वीडियो को, लाइक करते चलो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते चलो, क्या उत्तर हो जाएगा बतलाते चलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान लोकसभा सीटों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर होता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। वर्तमान लोकसभा सीटों का आवंटन जो है किस जनगणना के आधार पर होता है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए। वर्तमान लोकसभा के सीटों का आवंटन
किस जनगणना के आधार पर होता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए आंसर बताइए, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा किस जनगणना के आधार पर होता है, तो ये होता है 1971 की जनगणना के आधार पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 2026 तक यही रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। शीला कुमारी, प्रियंका, मनोज कुमार, लक्ष्मण, अनिल कुमार, तापसी यादव, यदुवंशी, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किसने माना था? राइट आंसर क्या है बताइए, कौन था वह जिसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बताइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी पहली बार क्लास में आ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह 8:30 बजे सुबह साइंस की क्लास होती है और रात में 7 बजे से रोज़ जीके की क्लास होती है। आप अपने सभी दोस्तों को बुला सकते हैं पढ़ने के लिए। ये क्लास अभी 1 घंटे तक चलेगी। आपके दोस्त आ सकते हैं, जिन जिन को भी बुलाना है लिंक शेयर करके बुला सकते हो। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये बात डॉक्टर राज, हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, किसने कही थी? तो आत्मा के रूप में किसने माना था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर अंबेडकर जी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है अंबेडकर जी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाओ। अंजू, ब्रज, ब्रजेश्वर, मंजेश, पूजा, यदुवंशी, कुमार, लक्ष्मण, सोनू कुमार, माय ड्रीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है? दोपहर वाली क्लास हुई थी तो, हाँ दोपहर वाली क्लास में आप आए नहीं, बताओ दोपहर वाली क्लास हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है। राइट आंसर प्रश्न के लिए सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए आंसर देखते हैं क्या पूछा गया इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील है? तो राइट आंसर हो जाएगा हुसैन सागर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हुसैन सागर, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे बताओ? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए बताइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिजा इम्फे, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? विश्व व्यापार संगठन के नए प्रमुख के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए आंसर बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न का। जो भी पहली बार क्लास में आ रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप रोज आ सकते हैं, है ना, क्लास रोज होती है, आप प्रतिदिन आ सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, विश्व व्यापार संगठन के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो नोजी ओकोंजो इवेला, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ए, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नोजी ओकोंजो इवेला, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? लंबाई की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए? लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
फर्मी मीटर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है फर्मी मीटर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? फर्मी मीटर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक फर्मी मीटर में जी एक फर्मी मीटर में 10 के ऊपर -15 की घात मीटर, 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए। बाबू रो रहा है, हाँ बाबू, वो बाबू को है ना, जब तक कोई उठाएगा नहीं हाँ तब तक वो रोता है, बिल्कुल आप उसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए। राइट आंसर क्या है? वो ऐसे बुलाता है सबको। बाबू रो नहीं रहा है, वो बुलाता है ऐसे करके, आओ खिलाओ, कहाँ हो। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन करते जाएं, वीडियो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा आपके सामने, भारत का फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है बताइए। भारत का फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए। सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, भारत का फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पुणे में है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या है, पुणे प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न, जिस जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आंत में पानी जमा करता है, आंत के अंदर पानी जमा करता है, कौन सा है वो जानवर बताओ भाई, जो अपनी आंत में पानी जमा कर लेता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए। सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न का, आंत में पानी जमा करता है कौन सा वो जानवर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए आंसर बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आंत में पानी कौन जमा करता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ऊंट, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, ऊंट प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, ऊंट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या है बताइए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर प्रश्न के लिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जाना जाता है मेघना के नाम से, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, मेघना के नाम से जाना जाता है। जिस जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? राइट आंसर क्या है? क्या दोस्तों वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, अभी तक 200 लाइक 200 वॉचिंग होना चाहिए था, हम देख रहे हैं आज एकदम आप पूरे के पूरे शांत पड़े हुए हो, कल तो एकदम जबरदस्त दबा के लाइक शेयर दोनों हो रहा था, आज क्या बात है भाई, आज एकदम इतने शांत स्वभाव में क्यों बैठे हो? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कौन है कौन कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, निम्न में से विश्व में बात हो रही, देखो विश्व में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व में कौन है, तो विश्व में बोरलॉग हैं। राइट आंसर हो जाएगा, विश्व में बोरलॉग हैं और भारत में स्वामीनाथन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अभ्युदय योजना का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। राइट आंसर क्या है बताइए, अभ्युदय योजना का उद्घाटन जो है वो कौन से मुख्यमंत्री ने किया है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए चलिए बताइए। अभ्युदय योजना का उद्घाटन कौन से मुख्यमंत्री ने किया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है अभ्युदय योजना का उद्घाटन ये किया है ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा योगी बाबा प्रश्न के लिए सही। अभ्युदय का मतलब क्या होता है, हर एक गरीब की मदद करना, ऐसी योजना चलाओ, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, अभ्युदय योजना योगी बाबा प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं, क्या उत्तर होगा बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न का। जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए, तो कौन बने हैं ये, तो ये बने हैं डॉक्टर अजय माथुर, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय माथुर, जोई शुक्ला, प्रदीप कुशवाहा, सब बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं हो रही आज, क्यों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए चलिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। वीडियो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करते जाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कोलेरू झील कहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये है आंध्र प्रदेश में, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा आपके सामने प्रश्न है, चलिए देखते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में आईआईएम संबलपुर के एक स्थायी परिसर में उद्घाटन किया है, राइट आंसर क्या है बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आईआईएम संबलपुर में, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर, क्या उद्घाटन किया है कहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, उड़ीसा में है, कहाँ पर है, उड़ीसा, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का कार्यभार संभाला है, राइट आंसर क्या है बताइए, कौन है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। नए अध्यक्ष, हाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये कौन है अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सुनीत शर्मा, राइट आंसर क्या हो जाएगा सुमित शर्मा, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं
सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा आपके सामने प्रश्न। DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है या किससे मिला गया है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार इनमें से किसने जीता है? राइट आंसर क्या है बताइए, अनिल, राजीव, बीराज, कपिल दुबे, अरविंद, उत्तम द्विवेदी। जो भी पहली बार क्लास में आ रहे हैं आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक मैंने ऊपर दे दी है ना, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को जिसने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने प्रश्न। तो ये है कौन? हेमंत कुमार पांडे। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेमंत कुमार पांडे। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने क्या पूछा गया, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए, राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए जी। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा बर्ड, राइट आंसर हो जाएगा 5 जनवरी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने भाषा को बढ़ावा देने के लिए तमिल एकेडमी की स्थापना शुरू की है? राइट आंसर क्या है बताइए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तमिल एकेडमी किसने शुरू की है? राइट आंसर क्या है, भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए तमिल एकेडमी किसने शुरू की है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तमिल एकेडमी दिल्ली सरकार ने शुरू की है, राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण को डबल किसानों की आय के लिए लॉन्च किया है? राइट आंसर क्या है बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, कौन सी राज्य सरकार है ये, तो ये राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। शेयर करते जाओ दोस्तों वीडियो को अपने अपने ग्रुप में, और भी दोस्तों को जोड़ते चलो क्लास में, जो भी नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सुबह 8:30 बजे साइंस की क्लास होती है और रोज़ रात में 7 बजे ये GK की क्लास होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1764 में बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया? कौन है ये? सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, सेना का नेतृत्व इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है हेक्टर मुनरो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्या पूछा गया है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? राइट आंसर क्या है बताइए, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा,
एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? सही उत्तर हो जाएगा फंगस से प्राप्त होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फंगस, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संगीत निर्देशक के रूप में किसने अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। जिस जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाना। संगीत निर्देशक के रूप में सबसे ज़्यादा किसने पुरस्कार जीते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये पुरस्कार जीते हैं A.R. रहमान ने, और इन्होंने 10 पुरस्कार जीते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, A.R. रहमान ने पुरस्कार जीते हैं और इन्होंने 10 पुरस्कार जीते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, जिस जिसका भी गलत हुआ है सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौका दौड़ किस त्यौहार का हिस्सा है? राइट आंसर क्या है चलिए बताइए। नौका दौड़ जो है वो कौन से त्यौहार का हिस्सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए आंसर बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर, नौका दौड़ किस त्यौहार का हिस्सा है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। जी, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो नौका दौड़ जो है राइट आंसर हो जाएगा ओणम त्यौहार का हिस्सा है। राइट आंसर हो जाएगा ओणम, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को सारो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? सारो ऑफ बंगाल के नाम से इनमें से कौन सी नदी को जाना जाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, जिस जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बतलाइए। जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बंगाल का ऑप्शन नंबर दामोदर नदी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक, सॉरो ऑफ बंगाल, दामोदर नदी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, जब किसी उत्पाद का केवल एक खरीदार और एक ही विक्रेता होता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे तुमने अपने फैक्ट्री की शर्ट बनाई और तुम्हारी फैक्ट्री की शर्ट सिर्फ तुम ही खरीदोगे अपने लिए, बाकी तो बाहर के खरीदेंगे नहीं, तो तुम और वो कंपनी आपस में क्या कहलाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए। जब किसी वस्तु का एक ही उत्पाद और एक ही खरीदार होता है वो कौन है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, तो इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो इसे कहते हैं द्विपक्षीय अधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार, यानी कि दोनों पक्ष पर एक का ही अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, जिस जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने, मुन्ना मोबाइल, अरे तुम अपने मोबाइल से पढ़ने लगे। पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है बतलाइए? पंडवानी कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है बतलाइए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बतलाइए। राइट आंसर इस प्रश्न के लिए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, तो सोचिए समझिए आंसर दीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, पंडवानी कहाँ की है? छत्तीसगढ़, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, शेयर करते चलो वीडियो को, लाइक करते चलो चैनल पर, जो भी नए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, वीडियो लाइक करते चलो। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू बुखार किसके कारण से होता है? राइट आंसर क्या है बताइए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, इंडियन बॉय, सब्जी वाला भाई रिंकू है। हाँ, रिंकू भाई ने अपना नाम बदल के सब्जी वाला रखा हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, डेंगू बुखार किसके कारण से होता है?
तो डेंगू बुखार वायरस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा वायरस। प्रदीप कुशवाहा, पंडित बाल गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। नेट बढ़ागा उसको क्या करते तुम सवेरे से, तुम्हारे लेने बजा के रखने आती नेट के लाने, जब पता है कि पढ़ने हैं रात में, सवेरे से क्या सुन रहे थे तुम, गाना सुन, वीडियो देख रहे हो, ये उपाध्याय जी के हैं, गजब व्यक्ति हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। कोई बात नहीं कन्हैया जी आएंगे, टेंशन नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो संविधान में किस देश से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो सही उत्तर हो जाएगा ये लिया गया है आयरलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा आयरलैंड, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है कशिश, अरविंद, पंकज, नीतीश, अनिल कुमार, पूजा यदवंशी, बाल गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यूरिया रक्त में कहां पर अलग होता है बतलाइए, यूरिया रक्त में कहां पर, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बतलाइए। राहुल, अरविंद, इंडियन बॉय, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है, चुनावी प्रक्रिया वहां से ली गई है, महाभियोग वाला अमेरिका से लिया गया है, अलग अलग जगह से। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कहाँ अलग होता है, तो ये अलग होता है किडनी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा किडनी, गुर्दा, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आज मैच है गो, अच्छा तभी हम कहें सबरे कहाँ हैं, सबरे मैच है यह देख रही हैं, देखा दोस्तों कहने कहा है अपन पढ़ाई कर लो, उन्होंने के लाने देखा दो अपन पढ़ा लो, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए, तो यहाँ पर किडनी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते चलो। कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। राइट आंसर क्या है बतलाइए, नवल, मुन्ना मोबाइल, आयशी पांडे, मालती साहू, अनिल कुमार, क्या उत्तर हो जाएगा। शेयर करते चलिए, जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं दम लगाओ और शेयर करो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है कपास के लिए कौन सी मिट्टी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी बोला जाता है ना, रेगुर मिट्टी ही आपकी ब्लैक सॉइल कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था। राइट आंसर क्या है बतलाइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बतलाइए, गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए इनमें से कौन सी समिति बनाई गई थी। जो ही शुक्ला आ रहे हैं आपके कमेंट, टेंशन ना लो। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, शेयर करते चलो वीडियो को, जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस तेंदुलकर समिति, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है एस तेंदुलकर समिति, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एस तेंदुलकर समिति, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर, सुरेश है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस तेंदुलकर बोले तो हाँ सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए, क्या उत्तर हो जाएगा, जिन जिनके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए सभी बताएंगे, कोशिश करिए आंसर दीजिए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है कर्नाटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा कर्नाटक, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है कर्नाटक, प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने, पीपली घाट दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में है।
राइट आंसर क्या है बताइए। पीपली घाट दर्रा, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए, चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पीपली घाट दर्रा जो है ये कहां पर है, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए, राइट आंसर क्या है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पीपली घाट दर्रा जो है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अरावली पर्वत में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला में है पीपली घाट दर्रा। जिस जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए, शेयर करते जाइए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का प्रस्ताव रखा है बताइए, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। नर्मदापुरम क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। बहुत बढ़िया, कोशिश करिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होशंगाबाद, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर होशंगाबाद, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। ऑनलाइन बैच का टाइम रोज सुबह 8:30 बजे साइंस और रात में 7 बजे जीके, दो क्लास होती हैं, दोनों क्लास में आप आ सकते हो। सुबह 8:30 बजे साइंस होती है और रात में ये 7 बजे जीके होती है, दो क्लास होती हैं ऑनलाइन, आप दोनों क्लास में आ सकते हो, फ्री क्लास है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसने जीता है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, नोवाक जोकोविच, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है नोवाक जोकोविच, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था राइट आंसर क्या है, पहले फिल्म फेयर की बात हो रही है, सबसे फर्स्ट फिल्म फेयर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए जबरदस्त रहिए। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, क्या उत्तर हो जाएगा बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये पहला फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीता था, तो राइट आंसर हो जाएगा दिलीप कुमार ने जीता था, और ये पहला फिल्म फेयर उन्होंने जीता था 1954 में, और मूवी का नाम था दाग, मूवी का नाम था दाग, जिसमें दिलीप कुमार जी ने पहला फिल्म फेयर जीता था। राइट आंसर हो जाएगा दाग, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जी जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है ये रहा आपके सामने, हाँ जी जो भी पहली बार क्लास में आए फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, प्रश्न है चिन्ना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, सभी बताएंगे, कोशिश करिए आंसर दीजिए, क्या उत्तर है प्रश्न के लिए, सभी बताइए, कोशिश करिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, कोशिश करिए आंसर दीजिए, बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, चिन्ना वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, केरल में है, राइट आंसर हो जाएगा केरल, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है केरल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है, बताइए राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है। आफ्टरनून में क्लास होती है लेकिन दूसरी, हाँ आफ्टरनून में जो क्लास होती है मेरे दूसरे चैनल पर होती है, दोपहर में क्लास जो होती है, अगर आप उस चैनल पर पढ़ने के लिए आना चाहते हो तो मैं चैनल की लिंक दे दे रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको क्लास मिल जाएगी, दोपहर में क्लास होती है उस पर 3 बजे से, दोपहर में 3 बजे से आप आ सकते हो। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने, मेरे दूसरे चैनल का लिंक ये है जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भेज रहा हूँ, जिस पर मैं दोपहर में पढ़ाता हूँ, जो भी आना चाहता है इस पर पढ़ने के लिए, दोपहर में 3 बजे पढ़ाता हूँ मैं, लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, एक दिन छोड़ एक दिन जीके साइंस कराऊंगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करते हो। चल आज क्लास हुई थी जेंटलमैन, पूछो कैसे आज क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी, बताओ हाँ या ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये वाला चैनल का लिंक है जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भेज रहा हूँ, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और आप आ सकते हो दोपहर में 3 बजे पढ़ने के लिए। फिर ये हाँ बढ़िया है, नहीं हुई क्लास, इतना झूठ बोलो, ज़्यादा झूठ बोलो कि दांत गिरने लगेंगे, फिर खाना फिर दूध में रोटी मीस मीस के। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, आए थे हम लोग पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली अरब महिला बास्केटबॉल रेफरी कौन बनी है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इनका नाम है सारा गमाल, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है, सारा गमाल प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आप टेलीग्राम की लिंक से जुड़ जाओगे ना, तो मैं टेलीग्राम पर लिंक शेयर करता हूँ, अपनी अनअकैडमी की क्लास की भी टेलीग्राम पर लिंक देता हूँ, इस चैनल की भी टेलीग्राम पर लिंक देता हूँ, जो 3 बजे पढ़ाता हूँ उसकी भी लिंक टेलीग्राम पर देता हूँ, तो आपके लिए एक पंथ तीन काज हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको मेरी सारी क्लासेस की लिंक मिलने लगेगी, आपके लिए घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर तो बादाम के साथ में नेशनल चॉकलेट विथ आलमंड डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है 8 जुलाई को मनाते हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 जुलाई, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गाय के गोबर से बने पेंट को बढ़ावा देने के लिए खादी प्राकृत पेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया, बताओ, गाय के गोबर का पेंट दिवाली में घर पर पोतने के लिए आप यूज कर सकते हैं, खादी की शॉप पर ये पेंट अवेलेबल है, जी बिल्कुल, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए, किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। तो गाय के गोबर से बना पेंट प्रमोट करने के लिए नितिन गडकरी, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, नितिन गडकरी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, सुखबीर सिंह संधू को कहां का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, राइट आंसर क्या है बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए, सुखबीर सिंह संधू क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। भाई चॉकलेट डे, मैं चॉकलेट आलमंड डे की बात कर रहा हूँ, है चॉकलेट एंड आलमंड डे, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न का, तो ये बने हैं कहाँ के, उत्तराखंड के, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड प्रश्न के लिए, सही उत्तर हो जाएगा, जिस जिस हुए हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, द फोर्थ मैन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक नई पुस्तक का लेखक कौन है, राइट आंसर क्या है बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बहुत बढ़िया, पढ़ते चलो, गलत हो रहे हैं सही करते चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा,
तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बतलाइए, सोचिए समझिए। आज ये कशिश और ये लड़ते रहते हैं, इन लोगों के लिए मैंने गीता बोली है। हाओ, ये दोनों के लिए, ये गीता बोली है मैंने सिर्फ कशिश के लिए और दूसरे भाई, हाँ, जो आपस में लड़ते रहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी ए बी दोनों प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ए और बी दोनों प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्या चौधरी जी, सही कहा कि नहीं कहा भाई? यहीं मिले थे, अभी क्लास ख़त्म हो जाएगी, यहीं से अपने घर चले जाओगे, फिर क्लास शुरू होगी तो यहीं पर ही मिलोगे। अब जब यहीं पर ही बस मिलना है तो दो मिनट शांत रह के पढ़ लो, एकदम एक दूसरे के बिल्कुल विद्रोही बने रहते हो, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं बोली भाई, ग्रीन फोर्स नेहरा के लिए बोली मैंने। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए, क्या बोला, क्या पूछा गया है? ब्रांको दामल जो जानोविक, ब्रांको दामल जानोविक को हराकर सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? राइट आंसर क्या है बताइए? ग्रीन फोर्स को बोला मैंने, ग्रीन फोर्स को। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए जी, ऐसा है क्या? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बस बस बस, तो हाँ, निहाल सरीन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है निहाल सरीन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हो, फ्री क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 8 जुलाई 2021 को निधन हो गया, उन्होंने 6 बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए? उन्होंने 6 बार, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए? ओके जी, इंडियन बॉय जा सकते हो आप, टेंशन नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है बताइए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कौन से राज्य के थे ये? तो हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जिसका गलत हुआ है सही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति की उनके घर पर हत्या कर दी गई? राइट आंसर क्या है बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का जी। सही उत्तर क्या है राइट आंसर प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। तो ये है हैती के प्रधानमंत्री, हैती के राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैती प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नहीं 9 बजे क्लास नहीं होगी, डायरेक्ट क्लास होगी 10 बजे अनअकैडमी पर। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने प्रश्न। नए नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, घर के सामने ही बम। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए, कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होगा? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, टोक्यो ओलंपिक में जी सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए,
तो टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन होगा? दुती चंद और मनप्रीत सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुती चंद और मनप्रीत सिंह प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ये दो लोग ध्वजवाहक होंगे, ध्वज लेकर चलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। यार जेंटलमैन इसको छोड़ के यार, ये जाएगा नहीं। हाँ, ये जाएगा नहीं, टीवी की ऐड की तरह बार बार वापस आ जाता है। छोड़ गया जेंटलमैन इसको। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? और वहाँ पर लेके जाना फेविक्विक, वहीं पर चिपका देना इसको। हाँ, या तो फेविक्विक के साथ में ही आएगा, नहीं तो वहीं पर ही रहेगा। हाँ, नहीं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड को डैश एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड द्वारा दिया गया है, कौन है ये? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुशवाहा जी। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए? अनुपम भाई सही है, झा साहब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बड़ी देर से आए। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? द्विवेदी छोड़ के तो आओ इसको। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये काम किसने किया है? कोरियाई एयरवेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा आपके सामने, दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप किंग कोबरा को हाल ही में कहाँ के टिल्लारी संरक्षण रिजर्व में देखा गया? राइट आंसर क्या है? लुप्त हो चुका है ये सांप अब, लेकिन अब देखा गया टिल्लारी संरक्षण रिजर्व, कहाँ पर है ये? राइट आंसर क्या है बतलाइए? सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता और डूबता सूरज भी नहीं दिखता, पता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए टाइम क्या हो रहा है और दिशा कौन सी है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बतलाइए? सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है? टिल्लारी कहाँ पर है? तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र प्रश्न के लिए सही उत्तर है। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000वां विकेट लिया? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए? राइट आंसर क्या है? सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सभी बताएंगे, चलिए देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 1000वां विकेट, टेलीग्राम की लिंक ऊपर तो है नीले कलर की, सिर उठा के देखो तो ऊपर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न? थोड़ा ऊपर भी देख लिया करो, सामने ही देख रहे हो बस। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर जेम्स एंडरसन। राइट आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जून में माल और सेवा कर जीएसटी से कितना राजस्व आया था? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए? क्यों नहीं कर पाते? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए बताइए, शेयर करते जाइए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करते जाइए, वीडियो लाइक करते जाइए जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए सभी बताएंगे, कोशिश करिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या है? हाँ जी, तो 92,849 करोड़ रुपए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। IBM के अध्यक्ष के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा किसने की है? राइट आंसर क्या है बताइए? कौन है ये? सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिवीजन कल होगा, 3 बजे वाली क्लास जो होती है ना छोटे चैनल पर, उस पर होगा ये पूरा रिवीजन। आप उस पर आना, उस पर रिवीजन करेंगे। हाँ जी, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बताइए, सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। पढ़ाई भी करो, वीडियो भी लाइक करते चलो, शेयर भी करो। 200 लाइक में सिर्फ 30 लाइक बचे हैं, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करो जिसने नहीं किया है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये कौन है? तो ये है जिम व्हाइटहर्स्ट। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सत्यदेव नारायण आर्य को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए? सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हम्म,
सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कन्हैया जी नहीं, अभी नहीं छोड़ेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? नेक्स्ट क्लास रात में 10 बजे अनअकैडमी पर है। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रोजेक्ट बोल्ड, सूखे में भूमि पर बांस उगाना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? आपको बताना है जहां सूखा प्रभावित एरिया है वहां पर जमीन पर बांस की खेती करना कौन से राज्य सरकार ने शुरू करवाया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पाटिल साहब काय कर तो तुम्ही, हाँ सगळ्यात मैसेज तुम्ही लवकर यात। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए। हाँ तुम्ही तिकडे सगळ्यात मैसेज भेजतोय। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए? क्या पाटिल साहब, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर, ये काम किसने किया है? राजस्थान। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, भूल गया मैं मराठी, हाँ भूल गया मैं मराठी। 2008 में गया था मैं महाराष्ट्र में, 2008, और जिस दिन मैं महाराष्ट्र गया था उस दिन 26/11 वाला हमला हुआ था, हाँ ताज होटल पर मैं महाराष्ट्र जब गया था तभी की बात है। हाँ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया? जिस साल में गया था उसी साल की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में 2021 में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसे मिला था? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए? अजीत चौहान, मुन्ना मोबाइल, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुन्ना मोबाइल प्रश्न के लिए। अरे तो इंग्लिश लिखी तो है, हु वाज ऑनर्ड विथ 2021 हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक, हिंदी लिखी तो है। अब माता बताओ क्या करें हम, बगर में एलेक्सा बैठा के रखें, एलेक्सा जी बोलो तुम इंग्लिश में, हम बोल रहे हिंदी में हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अब बताओ बच्चे की जान लोगे आप, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो कौशिक बसु प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है? हाँ जो भी पहली बार क्लास में आए फॉलो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इस क्लास के बाद में रात में 10 से 11 अनअकैडमी पर क्लास है, आप मुझसे अनअकैडमी पर पढ़ सकते हो। जो भी मुझसे अनअकैडमी पर पढ़ने आना चाहता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी की लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आ सकते हो, है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मछली प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? बस छुट्टी होने वाली है, रेल का डब्बा खाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी पहली बार क्लास में आ रहे हैं मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप रोज़ आ सकते हैं पढ़ने के लिए, क्लास प्रतिदिन होती है, फ्री क्लास है। सुबह 8:30 बजे साइंस की क्लास होती है, रात में 7 बजे जीके की क्लास होती है, आप रोज़ आ सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? मानव विकास सूचकांक 2020। राइट आंसर, वाह वाह बहुत वेलकम दीपक जी, वेलकम, सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है नॉर्वे। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस छुट्टी हो रही है, टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाना। जो भी मुझसे अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी की लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप अनअकैडमी की क्लास में आ सकते हो। क्लास की छुट्टी हो रही है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। अब मैं मिलूंगा आपसे रात में 10 बजे अनअकैडमी पर, है ना? केडी जाधव, जो भी मुझसे पहली बार पढ़ रहा है फ्री क्लास है, अनअकैडमी पर आ सकते।
अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हो तो फ्री में आप अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ सकते हो। मैं अनअकैडमी पर भी फ्री क्लासेस देता हूँ। इसके लिए आपको अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप उसको अपने मोबाइल नंबर डालकर चालू करिएगा। मोबाइल नंबर डाल के चालू करेंगे उसके बाद आपको अनअकैडमी पर एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम की कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, है ना। नहीं तो पता चले तुम बैंक और रेलवे चुन लो और हमें ढूंढते रहो तो हम वहाँ पर फ्री में मिलेंगे नहीं, फिर लगेंगे तुम्हारे पैसे, ठीक है। तो एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना, फ्री पढ़ना है तो एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करोगे तो तुमसे कोड मांगा जाएगा। मेरा अनअकैडमी पर कोड है AEGG, ये चार अक्षर का कोड है। अनअकैडमी पर जो भी फ्री पढ़ना चाहता है मुझसे 10 बजे रात में आ जाना। बाकी YouTube पर क्लास का टाइम आपके लिए पता ही है। YouTube पर सुबह 8:30 बजे साइंस की क्लास होती है और रात में 7 बजे ये GK की क्लास होती है। टेलीग्राम की लिंक मैंने दे दी है, टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाओगे। मेरी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर भेजता हूँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। अरविंद बहुत बहुत धन्यवाद, मुन्ना मोबाइल, सत्यम शर्मा। हाँ, SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करना। मैं SSC एग्ज़ाम में तुम्हें सब पढ़ा दूंगा, रेलवे भी पढ़ा दूंगा, सब पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन SSC एग्ज़ाम के अंदर ही मिलूंगा तुम्हें, ठीक है। कोड याद रखना, कोड है AEGG, ठीक। चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अब आप लोग आपस में बात कर लो, मैं आपसे मिलता हूँ अनअकैडमी पर 10 बजे रात में। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।